मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वंस अगेन आई एम बैक, योर फेवरेट एंकर एंड योर फ्रेंड अनन्या सोनी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ज्ञान पटारा पे हम इस बार भी करेंगे ज्ञान की बातें। वैसे तो एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर पड़ा था, समझ ही नहीं आता पढ़े तो पढ़े क्या। एग्जाम्स के टाइम पर स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं लाई हूँ कुछ टिप्स कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। तो तभी तो आई हूँ आज मैं पढ़ाकू वाली लुक में। अरे बन मत करिए, जानती हूँ ये टॉपिक बड़ा बोरिंग है, मेरे को भी लगता है, लेकिन है काम की बात। ये आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी। अरे खुश मत हो, ये डांस के स्टेप्स नहीं बताऊंगी, मैं तो पढ़ाई के स्टेप्स बताऊंगी। मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है क्योंकि मैं भी एग्जाम देती हूँ। वैसे भी तो मैं ज्ञान बता रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ाई का समय डिसाइड करिए, 1 आवर 2 आवर, जैसे कि आप टीवी देखने का करते हैं। तो मेरा भी मन कर रहा है अभी टीवी देखने का, पर क्या करूँ, आपको ज्ञान भी तो बांटना है। पॉइंट नंबर 2, अब आप अपनी सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए, यानी अपनी बुक को डिवाइड कर लीजिए। अरे फार के डिवाइड नहीं कर लीजिए, मतलब अपने चैप्टर को डिवाइड कर लीजिए। मैं ऐसा ज्ञान नहीं देती कि अपनी बुक को ही फाड़ लो। पॉइंट नंबर 3, हमें हमेशा जोर जोर से पढ़ना चाहिए, उससे हमारे कान उसे सुनते हैं और दिमाग में फीड कर लेते हैं। और जो आपने उस दिन याद किया है, उसके नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करिए और उसका रिटर्न करिए, उससे आपकी करेक्शंस भी होती है और उससे आपके दिमाग का डेटा भी तो रिफ्रेश हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, अच्छा खाना खाएं, जैसे कि दूध, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स। खाना तो पड़ता है ना, क्योंकि इससे विटामिन जो मिलते हैं और हमारा दिमाग तेज होता है। जो खपा चंकी सॉरेस जैसा जंक मत खाइए। बस आज के ज्ञान पिटारा की बातें खत्म हुई, अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलेंगे। और मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक हो कि पढ़ाई से कैसे बचा जाए। दोस्तों, बाय कहने से पहले SS करना नहीं भूलना।